टॉपिक कवर करते हैं हम टेक्नोलॉजी ऑफ पैटर्न मेकिंग. अ पैटर्न इज एन अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस मटेरियल बीइंग कास्ट एंड द मोल्डिंग टेक्निक बी यूज्ड. इज अ रेप्लिका और डुप्लीकेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस. इट इज द प्रिंसिपल टूल ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस. तो पैटर्न इज द रेप्लिका और डुप्लीकेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका हमें कास्टिंग करना है. और ये किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, इसका होना ना होना, ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल कौन सा हम कास्ट कर रहे हैं और कौन सी मोल्डिंग टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं. डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैटर्न इज फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ कास्टिंग. सबसे पहले जो कास्टिंग का हमारा प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप जो है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैटर्न, क्योंकि पैटर्न ही वो है जिसके बेसिस पे हम आगे का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करने वाले हैं. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैटर्न, दिस वन इज द पैटर्न और ये हमारा पूरा मोल्ड है और इसमें हमने सैंड भरा हुआ है. ये सैंड है, कास्टिंग सैंड, और ये हमने फॉर एग्जाम्पल पैटर्न को यहाँ पे प्लेस किया है. तो हाफ पार्ट व्हेन रिमूव्ड कैविटीज मेड एंड द मोल्डन मेटल इज पोर्ड. इसको जब हम यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है और उसमें हम मोल्डन मेटल पोर कर देते हैं और सॉलिडिफिकेशन के बाद वो हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. अब क्वालिटी ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस डिपेंड्स लार्जली ऑन द पैटर्न मटेरियल, इट्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन. जो हमारी कास्टिंग बनने वाली है वो किस पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो पैटर्न मटेरियल, उसका डिजाइन क्या था और उसका कंस्ट्रक्शन क्या था. Use of expensive patterns can be justified only when the quantity of casting required is relatively substantial. और जब हम बहुत ही महंगे expensive patterns का use कर रहे हैं तो उसका cost कब justify होगा, जब quantity जो casting की है हमारी काफ़ी excess में है, काफ़ी bulk में है, ताकि हम उसकी cost को तो at least bear कर सकें. If only once it is to be used, cheap patterns is to be considered. अगर हमें सिर्फ एक ही बार pattern को use करना है तो चीप पैटर्न्स का हमें यूज़ करना चाहिए. अगर मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ लेना है और ज़्यादा कास्टिंग्स बनानी है तो ही हमें महंगे एक्सपेंसिव पैटर्न्स का यूज़ करना चाहिए. व्हेन ओनली फ्यू कास्टिंग्स आर नीडेड, अ लूज पीस अ लूज पैटर्न मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वेराइटी ऑफ वुड सर्व्स द पर्पस. जो लूज पैटर्न होता है और सॉफ्ट वेराइटी ऑफ वुड से बनता है, उसमें हम फ्यू कास्टिंग्स अगर जब हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इसको हम यूज़ में ले सकते हैं. द पैटर्न मटेरियल इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द नंबर ऑफ कास्टिंग्स टू बी मेड, बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग. पैटर्न मटेरियल जो है प्राइमरीली तो किससे डिसाइड किया जाता है, कितनी हमें कास्टिंग्स बनानी है, लेकिन फिर उसका साइज और शेप भी हम देखते हैं. द डिजायर्ड डायमेंशनल प्रिसिशन एंड मोल्डिंग प्रोसेस, कौन सा मोल्डिंग प्रोसेस यूज हो रहा है और कौन से हमारे डायमेंशनल प्रिसिशन कितना रखना है हमको, एक्यूरेसी वगैरह. नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैटर्न मटेरियल्स. सबसे पहले तो मतलब पैटर्न मटेरियल जब हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर हम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे. पहला है टाइप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल टू बी यूज, कौन से टाइप का मटेरियल हम यूज करने वाले हैं. फिर है जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, वैक्स हो गया. फिर है मेथड ऑफ मोल्डिंग, कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, जिसे हैंड मोल्डिंग या मैनुअल मोल्डिंग. कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स लाइक प्रोविजन ऑफ लूज पीसेज और कोर प्रिंट्स, किस तरीके से हम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, सिंगल पीस में करने वाले हैं, स्प्लिट में करने वाले हैं, लूज पीसेज भी उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए. फिर अलाउंसेस टू बी यूज, वेरियस अलाउंसेज होते हैं पैटर्न के, तो हमें कौन से अलाउंसेज रखने हैं उसमें, जैसे हमारा था ड्राफ्ट अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस एंड सो ऑन. फिर है मेथड ऑफ गेटिंग एंड फीडिंग टू बी अलाउड, उसमें गेटिंग और फीडिंग सिस्टम कैसा रखना है. प्रोविजन ऑफ वेरियस फाउंड्री एड्स और फाउंड्री एड्स उसमें कौन से हमें रखने हैं. फिर है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न मटेरियल. अब जो पैटर्न मटेरियल हमने सेलेक्ट कर लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए. ईजिली वर्कड होना चाहिए, शेप्ड एंड जॉइंट, उसको ईजिली हम उस पर काम कर सकें, शेपिंग कर सकें और उसको जोड़ सकें. फिर है हमारा लाइट वेट होना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, ईजिली टूटना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस टू वियर एंड अब्रेशन, कोरोशन एंड केमिकल एक्शन. कोई भी उसमें वियर या अब्रेशन या केमिकल एक्शन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. डायमेंशनली भी स्टेबल होना चाहिए,
चीप एंड इजी अवेलेबल होना चाहिए, रिपेयरेबल या फिर रीयूजेबल होना चाहिए ताकि वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लगे। फिर एबिलिटी टू टेक गुड सरफेस फिनिश, और उसमें सरफेस फिनिश उसमें हम आराम से उसको सरफेस फिनिश कर सकें, उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू।